प्राग एकत्व विज्ञानात आचार्य आगम संस्कृते न मनसा। कहते हैं आपने जो वर्णन किया उसका अनुभव कैसे किया जाए, वह ब्रह्मानुभूति कैसे हो सकती है। एक रस यदि है वह ब्रह्म तो ज्ञात्री ज्ञेय विभाग यह सब कैसा है, तो इसी आशंका को दूर करने के लिए अज्ञानी के प्रति कल्पित भेद को स्वीकार करके कहा जाता है, है ना। नहीं तो क्या था, कहा ज्ञेय कैसे ब्रह्म हो जाएगा, ऐसा ज्ञेय जो ब्रह्म से भिन्न जाता है क्या कोई जीव। ज्ञात्री के भेद जो है यह अज्ञों के लिए परिकल्पित करके वर्णन किया जाता है साध्य साधन भाव से। कैसे, कहते लक्ष्य होता ब्रह्म साध्य हो जाएगा और साधन आपका अपना अंतकरण रूपी उपाधि, उसी को लेकर उसी उपाधि से ही आप जान पाएंगे उपाधि स्वरूप कैसा होना चाहिए, वर्णन करेंगे। मन से वेद आप्तव्यम नेह नानास्ति किंचन मृत्यो समृत्युवा गच्छति यही अन्नान्येव पश्यति, मृत्यो समृत्युं गच्छति यही अन्नान्येव पश्यति। मन सैव इदम् आप्तव्यम्, मन से ही यह एक रस ब्रह्म को प्राप्त करने योग्य है समझो, क्योंकि यह इस ब्रह्म तत्व में नाना किंचन नास्ति, भेद जो है अणुमात्र भी कुछ भी नहीं है। और यदि जो कोई सा मृत्यो मृत्युम गच्छति, वह व्यक्ति वह शरीर का मृत्यु से भयंकर मृत्यु रूपा जो जन्म मरण चक्कर है उसको प्राप्त कर जाता है, जो या यह इस ब्रह्म में नाना इव पश्यति नानात्व मैंने भेद जैसा भी यदि देखता है तो। भाष्यकार कहते प्राग एकत्व विज्ञान, जब तक जीव ब्रह्म एकत्व साक्षात्कार नहीं हुआ है उससे पहले पहले तक तो पूरी साधना का काल है, वो अज्ञान काल है। उस समय जो आपके पास मन है उस मन के द्वारा ही उस ब्रह्म को जाना जाएगा। लेकिन कैसा मन, उसके लिए दो विशेषण दे रहे हैं, आचार्य और आगम से संस्कृत होना चाहिए। आचार्य आगम संस्कृत न मनसा इदम ब्रह्म एक अर्षम आप्तव्यम, आचार्य के द्वारा संस्कारित हो, आचार्य उपदेश और कृपा के द्वारा संस्कारित हो, एवं आगम का श्रवण के द्वारा संस्कारित हो। ये दो विशेषण बहुत जरूरी है, क्योंकि आचार्याध्येव प्राप्त विद्या साधिष्ठा भवति, छांदोग्य उपनिषद में कहा गया आचार्य से प्राप्त हुआ विद्या ही साधिष्ठा है, नहीं तो आदमी अपने आप पढ़ लेगा। ये आप कहते कि आगम संस्कृत है ना, तो उपनिषद को अपने आप घर में पढ़ लेगा तो संस्कारित हो जाएगा क्या हो? ना वो श्रुतिकार सही पकड़ सकता, ना वो श्रुति से संस्कारित हो पाएगा, अपने आप पढ़ने से नहीं होगा। कि कहा है छांदोग्य में आचार्याध्येव प्राप्त विद्या साधिष्ठा भवति, आचार्य से ही प्राप्त हुई जो विद्या है वह कार्य को सिद्ध करने में समर्थ होती है। इसलिए आचार्य इन आचार्य में कैसा आचार्य लेना जो आगम रहित तो नहीं, क्योंकि आचार्य न्यायिक वगैरह भी आचार्य, न्याय आचार्य, सांख्य आचार्य, योग आचार्य, जिनको वेदों से ऊपर उसके मतलब है नहीं, अपने तर्क वितर्क तर्कों के आधार पर अनुमानों के आधार पर सिद्ध कर देंगे ईश्वर को ब्रह्म को सबको, ऐसे श्रवण से भी कोई फायदा नहीं। आचार्य से सुनो, और वह भी आचार्य जो आगम आधीन होकर सुनाता है, जिसकी परंपरा है ये नस्तत व्याच चक्षीर है। अरे जिसको हमारे पूर्वाचार्य हमें जैसे सुनाया वैसे हम आपको सुना, वो परंपरा से आनी चाहिए। कहने का मतलब अपने तार्किक बुद्धि से नहीं, इसलिए कहते आचार्य और आगम से संस्कारित होकर हुआ जो मन है, केवल आगम नहीं केवल आचार्य भी नहीं, आगम और आचार्य। आगम मैंने केवल आगम तो नहीं हो सकता अपने आप पढ़ना, इसलिए जो है वहां पर कहते हैं वह आगम किसी आचार्य मुख से सुना हुआ हो
तभी जा करके काम होगा। ऐसे मन के द्वारा इदम ब्रह्म एक रसम आप्तव्यम। इदम शब्द क्या अर्थ है? इदम मने ब्रह्म, मनसैव इदम ब्रह्म, मनसा मन के द्वारा ही इस ब्रह्म को, कैसा ब्रह्म है वो जो पूर्व वर्णन जैसे किया गया था, एक रस है वो, वाप्तव्यम प्राप्त करना चाहिए, प्राप्त करने योग्य है। कैसे? आत्मैव नान्यदस्तीति, प्राप्त करना है तो कहीं जाना पड़ेगा, जा करके उसको उठा करके खरीद करके या किसी तरह से प्राप्त कर लिया या मांग करके। कहते नहीं, यह बयान निश्चय होना चाहिए मैं ही हूं वह ब्रह्म, आत्मैव, आत्मा ही ब्रह्म है, नान्यदस्ति, अन्य कुछ ब्रह्म नहीं है। इति आप्ते च नानात् प्रत्युपस्थापिकाया अविद्याया निवृत्तत्वा। जब एक बार आप जीव ब्रह्म एकत्व का साक्षात्कार कर लिए, आप तत्व आप प्राप्त कर लिया, प्राप्त करने का मतलब क्या? जीव ब्रह्म एकत्व का साक्षात्कार कर लेना। जब साक्षात्कार कर लिया आप, तो नानात्व माने भेद को उपस्थापित करने वाली कौन? अविद्या नाम की जो आज तक रही है वह अविद्या नष्ट हो जाती है, निवृत्त हो जाती है। अब एक बार अविद्या निवृत्त होने के बाद में उस ब्रह्म में लेश मात्र भी भेद अनुभव नहीं हो सकता। ब्रह्मणि नाना माने नास्ति किंचन, अणुमात्रमपि किंचिदपि, अणुमात्र भी भेद नाम का चीज हो नहीं सकता है। यस्तु पुनर अविद्या तिमिर दृष्टि न मुंचते, और जो व्यक्ति लेकिन उल्टा है अविद्या रूपे तिमिर दृष्टि को त्यागते नहीं है, अविद्या को त्यागना नहीं चाहते है। इसलिए हमने कल बता रखा ना, लोगों ने क्या किया है, अविद्या से शादी कर ली है और उसके बाद तृष्णा नाम की एक बेटी हो गई है। अब वो बेटी को त्यागेगा नहीं तृष्णा को, और पत्नी अविद्या को त्यागेगा नहीं, तो ब्रह्मानुभूति कैसे होगी? हो नहीं सकती, त्याग अपने आप हो जाता है। ज्ञान करो तो अपने नष्ट हो जाएगा, त्याग क्या करना है, नष्ट ही हो जाएगा वो, त्याग करने की भी जरूरत है तो नष्ट ही हो जाना है, वो नष्ट हो जाएगा। तृष्णा को त्यागना पड़ता है तो अविद्या नष्ट हो जाएगी। दान दे दो किसी को, कन्यादान और क्या, तृष्णा दूसरों को दे दो, सारी कामनाओं को दूसरों को सौंप दो। ब्रह्मणी नाना नास्ति किंचन अनुमात्र, क्योंकि जो व्यक्ति किंतु यस्तु मंतु यह, जो कोई भी व्यक्ति अविद्यार्पी तिमिर दृष्टि को न पुंचति त्यागता नहीं है, मैंने अविद्यार्पी तिमिर दृष्टि को नष्ट नहीं करता ज्ञान के द्वारा, वह व्यक्ति यह यह मैंने ब्रह्मणी नाना इव पश्यति, भेद के समान भी यदि व्यवहार करने लग जाता है, अनुभव करने लगता है, देखने लगता है, स वह व्यक्ति मृत्यु मृत्युम गच्छत्येव, मृत्यु मैंने शारीरिक मृत्यु से भी जो भयंकर मृत्यु है, जन्म मरण रूपा जो चक्र, इसको प्राप्त कर जाएगा। स्वल्प भेदम अध्यारोप नित्यर्थ, थोड़ा सा भेद का अध्यारोप कर दिया वह तो गया, और पूरा ही भेद में ही जी रहे उनका तो कहना ही क्या है। कहीं मृत्यु की न्याय, जिसका अंदर भेद इतना दृढ़ है उसको तो कहना ही क्या, ये थोड़ा सा भेद का अध्यारोप कर लेते हैं। आप कहा स्वप्न में देख लीजिए, थोड़ा ऐसे भी अध्यारोप हो गया, सारा झंझट हो जाता है, भय के हमारे अनेक परेशान से वहां से भाग आता है आदमी, वापस जागृत में लौटता है या नहीं? और जागृत में आकर के पक्का भेद में ही जीना चाहता है। जब ये अनुभव में आ गया तुमको स्वप्न में, झूठी अध्यारोपण की वहां द्वैत, उसने मेरे को इतना परेशान कर दिया, फिर जागृत द्वैत पे क्यों आस्था करते हैं, नहीं करना चाहिए, इस द्वैत में बिल्कुल निष्ठा नहीं होनी चाहिए। समस्या साहब का यही है, साहब को द्वैत में ही निष्ठा बनी हुई है, भेद में ही निष्ठा है। अरे जो जिसको प्रिय लगे उसी को उसके पीछे लगता है, बाद में लोगों को संसार अप्रिय है, संसार के पीछे लगे हुए, किसको ब्रह्म प्रिय है नहीं, आत्मा प्रिय है। पूर्वपि तयो प्रकृतम ब्रह्मा, पुनः उस प्रकृत ब्रह्म के बारे में और कहना चाह रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ शंकाएं हो सकती है। अंगुष्ट प्रेम कहते हैं कि भाई अंगुष्ट परिमाणम जीवम अनुद्य ब्रह्म भाव विधानात्, क्योंकि अंगुष्ट परिमाण जो जीव है उसको अनुवाद करके उसमें ब्रह्म भाव का विधान करना चाहते हैं, क्योंकि विधियमान जो ब्रह्म है उसके साथ विरोध है, तो ब्रह्म व्यापक है,
और जब जीव ही ब्रह्म है तो जीव अणु का ना वृद्ध हो गया, इसलिए अंगुष्ठ मात्र से अविवक्षितत्वात् अंगुष्ठ मात्र विवक्ष यहाँ नहीं है ऐसा समझना चाहिए। ब्रह्म परमेव वाक्य मित्यर्थ, इसलिए वाक्य ब्रह्म पर की है अगला वाक्य, ऐसा दृढ़ निश्चय करे, क्योंकि यह उपासना का विधि भी करना इष्ट नहीं है, क्योंकि शुद्ध ब्रह्म का बारे पूछा गया और शुद्ध ब्रह्म का प्रकरण है, उपासना प्रकरण तो है नहीं। ये तो इन्हें अंगुष्ठ मात्र जो जीव पूरा है वो सोपाधिक जीव उसमें ब्रह्म दृष्टि करो, ऐसा उपासना या विधि नहीं हो सकता, इसलिए न उपासना की विधि है न ब्रह्म का परिमाण का इस तरह से कथन हो सकता है विरुद्धत्वात्। अतएव आपको मानना पड़ेगा यहाँ जो अंगुष्ठ मात्र जो कहा जा रहा है उपाधि की अपेक्षा से कह दिया गया है, वास्तव ब्रह्म का परिमाण कथन करना इष्ट नहीं है। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्य आत्मनितिष्ठति ईशानं भूत भव्यस्य न ततो विजुगुप्सते एतद्वैतत् ईशानो वा भूत भव्यस्य, ऐसा भी पाठ भेद है, ईशानं अथवा ईशानो पुलिंग भी है। अंगुष्ठ मात्र पुरुष, इस पर ब्रह्मसूत्र में अधिकरण है प्रमिताधिकरण, ब्रह्मसूत्र प्रथम अध्याय तीसरे पाद 24 और 25 दो सूत्रों में विचार है। अंगुष्ठ मात्र पुरुष जो अंगुष्ठ परिमाण, अंगुष्ठ परिमाण वाला पुरुष, अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाले हृदय कमल, हृदय कमल कैसा है अंगुष्ठ मात्र परिमाण है, वहां अनुभव हुआ चैतन्य को अंगुष्ठ परिमाण वाला चैतन्य मान लिया जा रहा है उपाधि के अनुसार, ऐसा परिणाम लिख दिया हिंदी वालों ने, उसको परिमाण बना लेना चाहिए मूल की हिंदी व्याख्या में। जो अंगुष्ठ परिमाण वाला जो पुरुष है अर्थात अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाले हृदय कमल के मध्य में स्थित है मध्य, और वो हृदय कहाँ है आत्मनि मन शरीर है, शरीर के मध्य में ये हृदय कमल रूपी जो अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला हृदय कमल, उस हृदय कमल के अंदर जो चैतन्य अनुभव होता है वही ब्रह्म है समझो, वहां बैठा हुआ है ब्रह्म, अनुभव करने की सुविधा से इस सोपाधिक कथन किया जा रहा है, क्योंकि जो अंदर वही बाहर है, जो बाहर है सो अंदर है, कोई अंतर तो है नहीं। जियावान अंतर आकाश तावान बहिराकाश कह दिया है चांद्रिक परिषद में, जितनी हृदय आकाश है उतना ही बाह्य आकाश है, इतना बाह्य आकाश है हृदय आकाश है, क्योंकि घटाकाश कहा देते हम इतने में से घट परिच्छेद के कारण से आकाश परिच्छन वास्तव में नहीं होता, जैसे वैसे हृदय भी परिच्छेद को लेकर ब्रह्म वास्तव परिच्छन नहीं होता, किंतु व्यवहार में एक सुविधा हो जाती है, घटाकाश में आप ले जा पानी ले आ सकते हो, ले जा सकते हो, महाकाश से पानी ले आ जाना संभव नहीं है, ले आना जाना संभव है क्या महाकाश से, नहीं घटाकाश से तो आसान है, उसी तरह से यहाँ हृदयाकाश अवचिन चैतन्य का अनुभव करना आसान है, और व्यापक जो चैतन्य कैसे देखेंगे, आंख से खोल के देखते रह जाओगे कहाँ पर पता थोड़ा चलेगा, ध्यान कर सकेगा कि आदमी बाहर में आंख खुला बैठ के सारा व्यापक ब्रह्म करके देखेगा तो नहीं समझ सकता, इसीलिए आंख बंद करके हृदय पे गुफा में जाओ, वहाँ जो चैतन्य अनुभव होएगा वही ब्रह्म का समझो। ये एक अज्ञानी जीव को आसानी से ब्रह्मानुभव ब्रह्म साक्षात्कार करने का उपाय कह दिया जा रहा है उपाधि की वजह से, लेकिन इसको लेकर के आप ब्रह्म का ही परिमाण अंगुष्ठ मात्र है अणु परिमाण वाला है ऐसा जो अन्य रामानुज आचार्य आदि अन्य आचार्य लोग कहते हैं जो वह गलत है। ईशानम भूत भव्यस्य, भूत और भविष्य तो वर्तमान के बीच का आ गया, इन सब का जो शासक है ऐसे उसको समझो कि वह ब्रह्म जो है भूत वर्तमान भविष्य तीनों का शासक है, ऐसा समझ लेने पर और अनुभव कर लेने पर ज्ञानी पुरुष लोग क्या करते हैं ततो न विजुगुप्सते, अपने शरीर आदि की रक्षा की इच्छा वे नहीं करते हैं। ये तद्वै तत् निश्चित रूपेण यही वह है ब्रह्म जो तुमने पूछा था। अंगुष्ठ मात्रो अंगुष्ठ परिमाण, अंगुष्ठ परिमाणम हृदय पुंडरीकम, वास्तव में अंगुष्ठ परिमाण वाला कौन है हृदय पुंडरीक हृदय कमल है, तच्छिद्रवर्ती अंतकरणोपाधि, उस छिद्र में रहने वाला जो अंतकरण रूपी उपाधि है
तार्जपादी को भी अंगुष्ट मात्र कह दिया। उसी प्रकार से जैसे वंश पर मध्यवर्ती अंबरवत अंगुष्ट मात्र वंश पर मध्यवर्ती अंबरवत कह दिया, जैसे अंगूठे बराबर बांस के पर्व का बीच विद्यमान जो छिद्र है उस छिद्रावचिन जो आकाश के समान समझो। बांस होता है, बांस के जोड़ होते हैं, उन जोड़ों को काट दो तो क्या होगा, छोटा सा छेद दिखेगा। वो जो छेद है वह छिद्रावचिन आकाश जैसे वार होता है, उसी प्रकार यहाँ पर भी इस शरीर को फाड़ दो, शरीर बांस को इसके बीच में हृदय रूपी एक छिद्र मिलेगा। उस छिद्रावचिन जो चैतन्य है, वो छिद्र क्या है, वो अंतकरण है, तदावचिन जो चैतन्य है वही ब्रह्म है। इसे कहते हैं तच्छिद्रवर्ती जो अंतकरण उपाधि, उस उपाधि को भी कह दिया गया अंगुष्ट मात्र है, क्योंकि तदावचिन चेतन ब्रह्म को भी अंगुष्ट मात्र कह दिया जाएगा, क्योंकि हृदय कमल अंगुष्ट मात्र है, उसमें विद्यमान जो अंतकरण वो भी उतनी ही होगी और तदावचिन चेतन भी उतना ही है, इसलिए उपाधि की उसे वार हो गया। जैसे आकाश में आपने व्यवहार कर दिया, बांस है, बांस के पीछे पर्व है, उस अंगुष्ट मात्र वंश का पर्व के मध्य में जो विद्यमान आकाश है तद्वत व्यवहार कर दिया जाता है। तो उसको पुरुष को कहा फिर ब्रह्म क्यों नहीं कहा, अंगुष्ट मात्र ब्रह्म नपुंसकलिंग प्रयोग करते सीधे सीधे अंगुष्ट मात्र ब्रह्म कह देना चाहिए, तो अंगुष्ट मात्र पुरुष ऐसे क्यों कह दिया, पुलिंग बना डाले और पुरुष बोल दिया। पुरुष इसलिए कह दिया जाता है पूर्णम अनेन सर्वम इति पुरुष, पूर्णम अनेन सर्वम इति पुरुष, पुरुष से उषण प्रत्यय, पुरुष से उषण प्रत्यय कर बनता है पुरुष, पुरा अग्रे गच्छति इति ऐसे प्रयोग कर देते उषण प्रत्यय पुरुष बनता है। अरे पूर्वमेव सर्वम पापानम औषधि उसे दाहे दात को लेकर के पुरुष बनाया गया, अनेक व्युत्पत्ति या उपनिषदों में या वर्तमान में कहते हैं यही व्युत्पत्ति लेना उचित होता है, पूर्णम सर्वम अनेन इति पुरुष, जिसके द्वारा सब कुछ पूर्ण को पूर्णता को प्राप्त है उसका नाम पुरुष है। मध्य किसके मध्य में है, ये हृदय रूपी कमल उपाधि कदे आत्मनि शरीर है, शरीर के मध्य में है वहाँ ये तिष्ठति। यस्तम आत्मानम ईशानम, जो ऐसा है उसको कैसे जानना है, उस आत्मा को भूत भविष्य ईशानम, भूत और भव्य माने भूत और भविष्य, अतः मध्य में विद्यमान जो वर्तमान में ग्रहण आया तीनों कालों का ईशानम माने ईशितारम माने शासन करने वाला वही ब्रह्म है समझो। ऐसा विदित्वा जान करके न तथा इत्यादि पूर्वक शेष वाक्य का अर्थ पूर्व समझना, उसके बाद जो है यह ज्ञानी पुरुष अपने शरीर आदि जो है इनकी रक्षा करने के लिए इच्छा भी नहीं करता, किंच इतना ही नहीं, अंगुष्ट मात्र पुरुषो ज्योतिर्वाधूमक ईशानो भूत भव्यस्य सेवाद्य सुष्व एतद्वै तत्। अंगुष्ट मात्र पुरुष प्रश्न उठता है यहां, आपने कह दिया ईशान भूत भविष्य, तो इसका मतलब वह जो शासक है भूत वर्तमान और भविष्य का वह शासक कौन, विशुद्ध ब्रह्म को बोल रहे हो आप अथवा ईश्वर को कह रहे हो अथवा यमराज जी को कह रहे हो, कि यमराज जी के बारे में भी इसने क्या कहा था, जब तक आप शासक बन के बैठे हैं मेरे को चिंता ही नहीं, मृत्यु का भय नहीं रहेगा, आपके आयु हम वर में दे रहे हो, वायु आयु की जरूरत ही नहीं है ना, पहले बोल चुका है नचिकेता। इसी वजह से कहते हैं कि भाई देखो कि यमराज जी भी हो सकता है शासक, ईश्वर भी हो सकता है शासक, विशुद्ध ब्रह्म भी हो सकता है, इनमें से किसको लेना आप चाहते हैं, इसी बात को स्पष्ट करने के लिए मंत्र आया। इसलिए इस मंत्र में बाकी सब लगभग पूर्व का ही समान है, प्रथम पाद तीसरे पाद दोनों ही समान ही है, दूसरे और चौथे पाद में अंतर कर दे रहे हैं बाकी शंकाओं का निवारण करने के लिए। ज्योतिरिव अधूमकः,
अधूमक ज्योतिरिव, अधूमक पुल्लिंग कर दिया लेकिन होना चाहिए नपुंसकलिंग, क्यों ज्योति शब्द क्या है नपुंसकलिंग, अधूमकम ज्योतिरिव। जैसे धुआं रहित आग है वो कैसा होता है, शुद्ध होता है, धुआं से युक्त हो जाए तो काला पीला हो जाता है अग्नि भी, लेकिन धुआं आदि रहित अग्नि विशुद्ध अग्नि देखेंगे तो कैसा सफेद अग्नि, उसके लौ भी ऐसे होता है। जिस प्रकार से धुआं रहित अग्नि विशुद्ध है वैसे शासक भी पुरुष जो है अंगुष्ठ मात्र पुरुष वो भी कैसा है विशुद्ध है। अतः माया चिंतन ईश्वर का खंडन हो गया, सोपारी विशिष्ट देवता यमराज का खंडन हो गया, सबकी निवृत्त कर दिया। हाँ अधोम कैव ज्योति ही इस दृष्टांत के द्वारा, और ऐसा हो तो नित्य भी है क्योंकि ईश्वर जो माया चिंतन है ये भी अनित्य है, यानी यमराज जी भी अनित्य है, इसलिए नित्यता को सिद्ध करने के लिए चौथा पाद आया सव एव अध्य सव श्वः, वही यही वही आज भी है और यही कल भी रहेगा, पहले भी था अर्थ ग्रहण कर लेंगे, पहले भी वो यही था अब भी यही है और आगे भी यही रहेगा, अतएव यह नित्य है। जो नित्य है वह ईश्वर नहीं हो सकता, वह नित्य जो है वो यमराज जी भी नहीं हो सकता, किंतु नित्य है सो वह ब्रह्म ही होगा दूसरा नहीं। इसे नित्यत्व विशिष्ट विशुद्धत्व ये दो बातें कह दिया गया ताकि ब्रह्म की सिद्धि हो जाए। अच्छा ये जो अंगुष्ठ मात्र पुरुष है हृदय के अंदर, हाँ जिसमें आप ले सकते हैं, कोई ईश्वर भी ले सकता था ना कि द्वादश प्रणाम भी का, वो भी हृदय में ही रहता है, हृदय गुफा के अंदर ही ईश्वर भी रहता है यहाँ पर अंतर्यामी। वो सब अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए मंत्र आया हुआ है भाष्य में, अंगुष्ठ मात्र पुरुष ज्योतिरिव अधूमको अधूमकम इति युक्तम ज्योतिष्परत्व, अधूमकम ऐसा कहना ठीक है क्योंकि जो है वह ज्योतिष शब्द का विशेषण है। यस्तु एवं लक्षितो योगिभिर् हृदये, जिस प्रकार से योगियों के द्वारा अपने हृदय में लक्षित हो जाए वह पुरुष वह आत्मा वह ब्रह्म ईशानुभूत भव्यस्य, निश्चित रूपेण भूतकाल वर्तमान काल और भविष्य काल तीनों कालों का ईशिता है शासन करता है, सैव नित्य जान के कह दिया सऊ सैव अद्य सऊ स्व कर क्या है सैव नित्य कूटस्थ, वह निश्चित रूपेण वह आत्मा जो जीवात्मा कहा जाता है वास्तव उपाधि की वजह से, लेकिन वास्तव जीव कुछ नहीं है, वह जीव ही ब्रह्म है, वह ब्रह्म रूपी जो पुरुष अंगुष्ठ मात्र पुरुष अंगुष्ठ रूपी उपाधि जो लक्षित किया जाता है वह जो हृदय में योग भी हृदय लक्षित योगियों के द्वारा हृदय रूपी उपाधि में जो लक्षित होता है वही वास्तव में वह नित्य ब्रह्म है, कूटस्थ है वो। अद्य मनिदानी प्राणिश वर्तमान सऊष्वोपि वर्तिषते, वह आज भी समय में भी सकल प्राणियों में आत्म रूपेण प्रतिष्ठित है और वही कल भी सकल जो कुछ भी होंगे जीव उन सभी में उन सकल प्राणियों में वही आत्मा रहेगा, नान्यः उससे भी कोई और नहीं आत्मा नाम का चीज। तत्समो अन्य स्थिति निषेधे, ऐसा कोई अन्य वस्तु नहीं है जो इसके समान हो और उसे भिन्न हो उत्पन्न होता हो, यह नहीं हो सकता। यह बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भाई नहीं तो दोष आ जाएगा ना, कृतहान और अकृत अभ्यागम दोष आ जाएगा। ये मान लो जो जीवात्मा भी शरीर में है, यह जीवात्मा भी शरीर के साथ यदि मर जाएगा तो अगला जन्म जो मिलेगा किसको मिलेगा, यह आत्मा तो नहीं रहा, दूसरी आत्मा कोई होगी, और जो आत्मा आगे में आ रहा है शरीर में उस आत्मा ने पहले कोई कर्म किया नहीं, जो कैसे शरीर मिल गया उसको, और ये जो आत्मा इसने कर्म किया था इसको एक साथ मर जाएगा तो इसको बिना फल भोगे ही चला गया स्वर्ग आदि फल भोगे बिना मर जाएगा तो फायदा क्या होगा। इसलिए कृतहान किए हुए कर्मों का नाश और अकृत अभ्यागम न किए हुए के फल प्राप्ति रूपा दोष आ जाएगा, इसीलिए यह मानना पड़ता है यह आत्मा आज भी है कल भी रहेगा आगे चलते रहेगा जब तक मुक्ति नहीं होगी। अतएव यह कल्पना करना इससे भिन्न इसके सदृश इसके समान जो सम वाला जो है एक दूसरी आत्मा पैदा होता है मानना उचित नहीं है।
अनेन इससे इसी मंत्र के द्वारा सकल नास्तिक जो कहते हैं ही नहीं आत्मा उनका खंडन हो गया, और जो कहते हैं क्षणिक विज्ञान आत्मा उनका भी खंडन हो गया। अनेन नायम अस्तिति चैके इति अयम पक्ष न्याय तो प्राप्तोपि स्ववचन श्रुत्या प्रत्युक्तः। इसलिए जो शंका उठाया था शुरू में नचिकेता ने नायम अस्तिति चैके, कुछ लोगों का कहना है ये आत्मा है यही, उनका यह मत यदि युक्ति से इसी तरह ही होता वास्तव में न्याय से ही खंडन हो जाएगा, युक्ति से खंडन कर सकते इस पक्ष को, आत्मा नहीं है पक्ष जो है कृतहान अकृतभ्यागम दोष के आधार पर ही खंडन हो जाता है। न्याय तो अप्राप्तोपि एक तो यह, और दूसरा प्रष्टा का स्वस्य निषेधम अपि कथम कर्तुम शक्यते, जो पूछने वाला है कि आपने ही निषेध कर डाला क्या, पूछने वाले से पूछो भाई क्या तुम्हारी आत्मा नहीं है, तुम नहीं हो, खुद नहीं कहेगा ना मैं नहीं हूं, कहेगा क्या, फिर पूछा कौन, पूछने वाला ही नहीं रह गया, फिर पूछा किसने, से पूछने वाला इन शरीर आदि से जब अलग साबित हो ही गया तो वह पूछ रहा अपने आप का निषेध कैसे कर सकता है, ना यह मस्ती ऐसे कैसे कह सकता है, नहीं कह सकता। ये दो युक्तियां कृत हान अकृत अभ्यागम प्रष्टु स्वस्य निषेध अभावाच्च, ये दो हेतुओं के आधार पर ही युक्तियों से ही आप खंडन कर सकते हैं जो कहता आत्मा नहीं है। और तथा लेकिन इसी वाक्य के अंदर एक और भी खंडन हो गया, कौन, क्षण भंगवाद, क्षण भंगवाद माने प्रतिक्षण नष्ट होने वाला आत्मा मानते ना धारा प्रवाह, उस धारा मानने वालों का भी खंडन हो गया। आत्मा गंगा की धार के समान प्रवाहित होता है, हर क्षण अलग 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 नया नया पैदा होता रहता है, उस जो पूर्व में था उससे भिन्न और उसके समान एक नया पैदा होता, और उस वो जो पैदा हो गया वो भी तीन क्षण होते होते नष्ट हो जाएगा, चौदह क्षण तक क्या होगा एक और नया आएगा वो भी पूर्व के समान रहेगा। ऐसे जैसे धारा में लहर क्या होता है, नष्ट हो रहा है फिर पैदा होता है फिर नष्ट होता है फिर पैदा होता है, ऐसे चक्कर चलता है, वैसे आत्मा भी नष्ट और उत्पन्न और नाश होने वाला उत्पन्न प्रध्वंसी धारा के समान धारा है, ऐसे जो मानते हैं वो भी मत खंडन हो गया, क्योंकि हमने क्या कहा है मंत्र में स्वयव स्व अद्य स्वयव स्व, वही आज भी है वही कल भी है वही सदा है कह दिया, नित्य स्थापित करने से क्षण भंगवाद भी इसी वाक्य के द्वारा खंडन हो जाता है। पुनरपि भेद दर्शन अपवाद ब्रह्मणाः, पुनः भेद दर्शन का अपवाद करने के लिए उस ब्रह्म को ब्रह्म के बारे में ब्रह्म का खंडन करने के लिए ब्रह्म के बारे में कहा जाता है, मतलब भ्रांति के निवारण कैसे होगा जब तक ब्रह्म के स्वरूप का अनुभूति नहीं होगी, तो इसे भ्रांति क्या है, भेद दर्शन ही भ्रांति है, तार्ज भेद दर्शन रूपी भ्रांति का अपवाद करने के लिए दोबारा और ब्रह्म स्वरूप का कथन करने जा रहे हैं। यथोदगम दुर्गे वृष्टम पर्वतेषु विधावती एवं धर्मान् पृथक् पश्यन् विधावती, पहले भेद दर्शन का अध्यारोप करना पड़ेगा अपवाद करने के लिए, वो बता रहे हैं कैसे होता है भेद, जिस प्रकार से यथा उदगम दुर्गे वृष्टम, जैसा ऊंचे ऊंचे पर्वतेषु पर्वतीय स्थानों में टेढ़े मेढ़े स्थानों में दुर्गे दुर्गमे देशे दुर्गम थे दुर्गम देश, बड़ा कठिनाई से आप वहां पहुंच पाओगे, ऐसे भयंकर भयंकर पहाड़ जिस पर आज तक कोई चढ़ाई नहीं आते वहां पहुंचा ही नहीं, हिमालय में ऐसे हजारों चोटी हैं जिस पर आज तक कोई गया ही नहीं, लेकिन सबकी इच्छा क्या जो सर्वोच्च चोटी कौन सा है पता लगा लिया उसको चढ़ने में सब लगे रहते, माउंट एवरेस्ट चढ़ेंगे माउंट एवरेस्ट चढ़ेंगे, सर्वोच्च चोटी वही विश्व का, और यहाँ और कितनी सारी चोटियां हैं सब पर थोड़ी गया कोई, न गए न बसे है न कुछ हो रहा है, दुर्गम में वहां चढ़ना भी मुश्किल है वहां जाना भी मुश्किल है, ऐसे जो बारिश हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बारिश और पानी कहाँ जाएगा वो सब बेकार के नष्ट हो जाता है व्यर्थ चला जाता है। यथा उदगम दुर्गे पर्वतेषु वृष्टम विधावती, दुर्गम प्रदेश में बड़ा ऊंचे ऊंचे स्थानों में विशेष रूप पर्वतीय स्थलों में पर्वत की चोटियों पर जब गिरता है बरसता बरसा हुआ जल पर्वतीय निम्न प्रदेशों में फैलकर
नष्ट हो जाता है। नदियों में चला जाए नदी बन जाएगा, नदी से समुद्र में चला जाएगा नष्ट हो जाएगा। एवं धर्मान पृथक पश्चन, इसी वजह से जितने बारिश होता है सब समुद्र पहुंचता ही नहीं कभी भी, ये सारा समुद्र में पहुंच जाए फिर तो बड़ा नाश हो जाएगा, समुद्र में सब पहुंच नहीं पाते। कुछ तो वही जमीन पी जाते हैं, कुछ तो नदी वदी में आ गया उनमें भी आप बांध बूंद बांध के नहर निकाल देते हो, खेतियों में ले जाते हो। मुश्किल से जितना बारिश हो रहा है उसका 5% अधिक से अधिक जो है समुद्र में वापस पहुंचता है, या 10% मान लो उससे ज्यादा नहीं, 90% तो धरती पर इधर ही रह जाता है समुद्र में पहुंचता ही। उसको फिर क्या करके सूर्य सुखाएगा अनेक प्रकार से, सूर्य जो है अनेक प्रकारों में विद्यमान इस जल को पेड़ों को सुखा देता है, सारे पत्ते सुखा देता है, पत्ता पत्ता सूख जाता है उसके अनुसार जलांश खींच रहता है, पतझड़ बोलते हैं ना, मार्च अप्रैल में क्या होता है सारे पत्ते झड़ जाते हैं, सबको सुखा पेड़ पेड़ को सुखाने लग जाता है, इतनी धूप आती है हवा भी चला देता है सारा जल खींच लेता है बादल बना लेता है फिर बरसा ऋतु में छोड़ देता है। केवल समुद्र को सुखा के जल लेकर बार बार छोड़ने लग जाए समुद्र सूख जाएगा खत्म हो जाएगा। केवल समुद्र का जल से बादल नहीं बनते हैं और केवल धरती का जल से भी बादल नहीं बन सकता, मिश्रण होकर काम चलता है, व्यवस्थित होकर तरीके से चल रहा है संसार। एवं इसी प्रकार से भी धर्मान पृथक पश्यन, वैसे आत्मा या धर्म से ले आत्माओं को प्रत्येक शरीर में विद्यमान आत्माओं को पृथक पृथक देखकर जो रहता है तानेव अनुविधावती, वह जीव उन्हीं को बारंबार शरीर भेद को ही वापस लौट लौट कर फिर से प्राप्त करते रहते, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम है ना, पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह हालत हो जाएगा उसका, बारंबार शरीर प्राप्त करते रहेगा चक्कर काटते रहेगा बारंबार। पुनर्भेद भाषिका रेथोदगम दुर्गे दुर्गमे देशे, दुर्गम देश क्या होता है उच्छे बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ पर्वतेश वृष्टम सिक्तम बारिश बरसा दिया गया, पर्वतेशो पर्वतसु, पर्वतेशो का अर्थ होता है पर्वत शब्द बना कैसे, पर्व शब्द से तप प्रत्यय हुआ नीचे कर दो तप पर्व मरुद्भ्याम, तप पर्व मरुद्भ्याम एक सूत्र है व्याकरण में, सूत्र सूचित कर रहे हैं यहां पर पर्वत सो मतु पर्त में तप प्रत्यय हो गया, पर्वत बना मतलब अनेकों चोटियों वाला उसका नाम पर्वत, एक ही का नाम पहाड़ पर्वत नहीं बोला जाता है, हजारों चोटी हो तब पर्वत संज्ञा, इसलिए हिमालय को पर्वत कहते सबको पर्वत नहीं कहा जाता है, तो अनेक चोटियां होनी चाहिए अनेक पर्व होनी चाहिए, उन पर्वों पर सकल पर्वों पर गिरता है बारिश और निम्न प्रश्न विधावती निम्न प्रदेशों की ओर दौड़ जाता है, विकीर्णन सप्त विनश्यति बिखर करके नष्ट हो जाता है वह जल, एवं इसी प्रकार से वह जीव भी नष्ट हो जाएगा मुक्ति को पा नहीं सकता जो भेद दृष्टि को रखता है। प्रत्येक शरीर में अनंत जीव है अलग अलग जीव है, सारा शरीर अलग अलग जीव बनते हर शरीर में एक अलग जीव होता है, ऐसे अनेक जीवों को मानने वाला जो होता है वह अनेक जीव मानने वाला स्वयं नष्ट हो जाएगा, बार बार जिन शरीरों के कारण से अनेकत्व मान रहा है वह भी बारंबार ऐसे शरीरों को प्राप्त करते रहेगा मुक्त कभी नहीं हो सकता। एवं धर्मान मन आत्मनः भिन्नान भिन्न भिन्न आत्माओं को देख रहा है, पृथक पश्यन पृथक एव प्रतिशरम पश्यन, प्रत्येक शरीर में अलग अलग अनेक आत्मा है ऐसे मानता है जो तान एव शरीर भेदानुवर्तिनो अनुविधायति, जो शरीर का भेद अनुवर्तन करने वाला है वह पुनः पुनः क्या करता है शरीरों को ही प्राप्त करते रहता है, उसी के पीछे पीछे भागते रहता है, एक शरीर छोटा नहीं दूसरा शरीर, दूसरा शरीर छोटा नहीं तीसरा शरीर, चक्कर में पड़ा रहेगा शरीरों का, वासा से जीर्णार यथा विहाय, गीता में कहा है ना वैसे बारंबार पुराना कपड़ा फाड़ के फेंक दिया फट गया हो क्या करे फेंक दिया नया कपड़ा पहनते हो आप, उसी प्रकार यही हाल है आप, पुराने को उतारो नए पहनो चोला, उसी और पुराना शरीर छूटा नहीं इतने नया शरीर पहले से दिखाई देना शुरू हो जाता है, अगले उसमें जाना है भूत प्रेत कुत्ता बिल्ली जो बनना है इसमें जाना पड़ेगा जो भी दिखाई दे,
शरीर भेद में पृथक पुनः पुनः प्रतिबिंबित करता, कहने का मतलब पुनः पुनः अलग अलग प्रकार के शरीर भेदों को ही वह प्राप्त करता है अज्ञानी जीव, ये इसका अर्थ है। और जो दूसरा व्यक्ति है जो किस प्रकार देखता है इस आत्मा को, ये यथोदकम शुद्धे शुद्धम आसिक्तम तादृगेव भवति एव मुनेर्विजानत आत्मा भवति गौतम। यह के फिर नचिकेता का संबोधन कर दिया अपने गोत्र से, हे गौतम कर दिया, यथा उदकम शुद्धे शुद्धम आसिक्तम, जैसे शुद्ध जल में शुद्ध जल डाल दो तो क्या हो जाएगा, वैसे के वैसे रहेगा, अशुद्ध हो जाएगा क्या वो, बल्कि बढ़ गया, जितना पहले शुद्ध जल था उसका दोगुना तिगुना हो जाता है, जितना बढ़ डालो उतना हो जाता है। उसे यहां पर भी क्या है कहते हैं आसिक्तम, जब डाल दिया जाता है शुद्ध जल को, शुद्ध जल में जब डाल दिया गया तब तादर के बोलते वह वैसा ही रह जाता है, मैंने शुद्ध ही रह जाता है, बिगड़ता नहीं है, वह दोनों स्वच्छ जल मिल करके वैसे ही स्वच्छ ही रह जाता है, बल्कि दोगुना तिगुना बढ़ गया। उसे यहां पर क्या होता है, जब आप अपने आप को मान लेंगे मैं जो जीव हूँ मैं ब्रह्म ही हूँ, अर्थात जीव को ब्रह्म रूपी शुद्ध जल में जीव रूपी शुद्ध जल को आप मिला दीजिए, एक कर दीजिए, जीव ब्रह्म एकत्व अनुभूति कर लो, तब क्या होता है, तो कहते हैं तब दोगुणा तिगुणा आनंद बढ़ते जाएगा, आनंद ही आनंद रह जाएगा और कुछ नहीं होगा। इसलिए एवं मुने विजानता, इस प्रकार जानता हुआ जो मुनि होता है, हे गौतम, एकत्व रूपी आत्मा का दर्शन करने वाला जो पुरुष है, जो मुनि है, वह आत्मा ही हो जाता है, आत्मा भवति, हे गौतम, हे गौतम, गौतम, यहां तम क्या है, तमट प्रत्यय माना गया, गौओं में सर्वोत्कृष्ट अतिशयेन गौ इति गौतम, अतिशयेन गौ इति गौतम, गौ क्या है, वैसे ही गौ को मानते क्या, पवित्र शुद्ध मानते गौ को, देवता मानते, पूछते हैं लोग, माता मानते हैं, और अतिशयेन गौ हो जाए, अतिशयेन शुद्ध हो जाए, उसको क्या कहते हैं, गौतम। इसे नचिकेता तो समझ रहे, कहने रहे भी तुम अत्यंत शुद्ध हो, हे गौतम, मतलब तुम अत्यंत शुद्ध हो नचिकेता, और तुम अपने आप को क्या करना, अत्यंत शुद्ध ब्रह्म के साथ एक कर डालो, इस शुद्ध जल को शुद्ध जल में मिलाना होता है, इसे शुद्ध जीव अपने आप को जब तुम मान रहा था जीव, यह वास्तव में अत्यंत शुद्ध है, इस अत्यंत शुद्ध चैतन्य स्वरूप को और शुद्ध चैतन्य स्वरूप ब्रह्म में विलीन कर दो, तब क्या होगा, तुम आत्मा ही हो जाओगे जैसा कोई मुनि होता है। ये संबोधन संकेत कर दिया भाष्य, यस्य पुनर्विद्यावत, और जो विद्यावान है वह अज्ञानी का पूर्व मंत्र में हाल बता दिया, और जो विद्यावान पुरुष है विध्वस्त उपाधि कृत भेद दर्शनस्य, केवल विद्यावान ही नहीं, शब्दार्थ जान लिया, रट लिया, वेदांत श्लोकों को रट लिया, सुना रहा है, उतने से फायदा नहीं, किंतु विध्वस्त उपाधि कृत भेद दर्शनस्य, जिसने उपाधि कृत भेद दर्शन का विध्वंस कर दिया है, उपाधि कृत भेद दर्शन का जिसने विध्वंस कर दिया है, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, मैंने औपाधिक भेद दृष्टि रहा ही नहीं, विद्या का फल ही विद्या ददाति विनय, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण कवि अस्ति निजो का समदर्शी हो जाता है, वो भेददर्शी रहा नहीं, वो आत्मदर्शी है, आत्मदर्शी होने से समदर्शी है ना, जब तक भेददर्शी हैं आप तब तक कुछ भी नहीं है आप, है नहीं, तब तक पशु है, भेददर्शी कौन होता है, पशु ही भेददर्शी होता है, और जब आप भेददर्शी से उठेंगे समदर्शी हो जाओगे, और समदर्शी होने के लिए तत्वदर्शी होना पड़ता है, पहले तत्वदर्शी हो जाओ तो समदर्शी होगे, समदर्शी हो जाओगे तो आत्मदर्शी हो जाओगे, तो आत्मा ही हो जाओगे। इसलिए कहते हैं कि विध्वस्त उपाधि कृत भेद दर्शनस्य विशुद्ध विज्ञान घनैक रसम रसम, विशुद्ध विज्ञान घनैक रसम अद्वयम आत्मानं पश्यतो, और क्या देख रहा है वो, भेद को नहीं देखता है का मतलब
वह विशुद्ध विज्ञान घनैक रस को अनुभव कर रहा है, अद्वैत को अनुभव कर रहा है, अपने आत्मा का अद्वैत स्वरूपता का अनुभव कर रहा है। पश्यतः मुने विजानतः मुने है मननशीलस्य आत्मस्वरूपं कथं भवति, ऐसा जो मुनि है मननशील उसके आत्मस्वरूप कैसे होता है उसको समझा रहे। यथा उदकम शुद्धे प्रसन्ने शुद्धम प्रसन्नम आसिक्तम प्रक्षिप्तम भवदे, शुद्ध जल में जैसा शुद्ध जल को मिलाने पर उसी अगर प्रसन्न जो आत्मा में प्रसन्न मन को आपने मिला दिया तो क्या होगा, प्रसन्न ही रह जाएगा। प्रक्षिप्तम भवदे आसिक्तम ने प्रक्षिप्तम, तब एक रसमेवा पहले भी स्वच्छता अब भी स्वच्छ ही रह जाता है, नान्यथा वो अन्य प्रकार नहीं होता, मलिन आदि नहीं हो जाता। तादृगेव भवति जैसा पहले वाला था जिसमें तुमने मिलाया वह जैसा था, मिलाने के बाद भी वो मिला हुआ के साथ मिल करके भी वो वैसा ही रह जाता है। कौन आत्मा अपि एवमेव भवति, आत्मा भी ऐसा ही है समझो। एकत्वं विजानतः इसने मुने हे मननशीलस्य हे गौतमा, हे गौतमा जो मननशील मुनि है वह एतार्ष एकत्व को जानते हुए कि वास्तव में मेरी जो आत्मा है वह विशुद्ध है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है, और वह ब्रह्म भी नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है, एक स्वभाव वाले दोनों हैं, दोनों ही शुद्ध है, दोनों नित्य है, दोनों मुक्त है, ऐसा निश्चय उनके दोनों में इसलिए वास्तव में कोई भेद ही नहीं है। ऐसा जो एकत्व का निश्चय कर लिया वह मुनि क्या होगा, तस्मात कुतार्किक भेद दृष्टि नास्तिक दृष्टि उज्जित्वा, उस एकत्व ज्ञान को लेकर क्या करेगा वो, जो कुतार्किक भेद दृष्टि थी और अथवा नास्तिक की दृष्टि थी कुदृष्टि, उन दोनों को उखाड़ के फेंक दिया उसने। जिसने उपनिषदों में श्रद्धा कर ली और जीव ब्रह्म एकत्व का निश्चय कर लिया और ध्यान आदि का अभ्यास करने के द्वारा वह साक्षात्कार कर लेता है, उसके हृदय में कभी भी वासना रूपेण भी कुतर्क नाम का चीज नहीं रह सकता। कुतार्किक भेद दृष्टि और नास्तिक कुदृष्टि दोनों उज्जित्वा मातृ पितृ सहस्रेभ्योपि हितैषिणा वेदेन उपदिष्टम आत्मैक दर्शनम शांत दर्पैर आदरणीयम इत्यर्थः। कहने का मतलब सकल मुमुक्षु साधकों को अपने अहंकार का दमन कर शांत दर्पैर अपने दर्प मन अभिमान दुर्भिमान और अहंकार को शांत करके श्रुति जो कह रही है इस बात पर विश्वास करके उसी पर आदर करनी चाहिए, भले अनुभव में नहीं आवे अभी आपको, इन्हें मान लो जो श्रुति कह रही है कम से कम, कि श्रुति कैसी है, मातृ पितृ सहस्रेभ्यो हितैषिणा, हजारों माँ बाप मिल करके भी जितना कोई बालक हित कर सके उससे भी ज्यादा हितैषी है इस श्रुति। वेद ऐसा चीज है इन जीवों का लेश मात्र भी हानि उसको सहन नहीं हो सकता। जैसे माता पिता को क्या है, कभी कोई माता पिता से पैदा हुआ कि जो बच्चा स्कूल ना जाए, पढ़ाई ना करे, फेल होवे, गधा बना रहे, ऐसा कौन चाहता है। अहित कभी कोई माता पिता अपने बच्चे का सोच नहीं सकता, स्वप्न में भी सोच नहीं सकता। भले मूढ़ बालक अपने स्वार्थ का डिमांड रखता है, माता पिता उसको पूरा नहीं करते, सोचता है हमारे माता पिता हमको नहीं चाहते इसलिए हम जो मांग रहे हमको नहीं देते, ये बालक का अपना कुबुद्धि है कि माता पिता का अपना सामर्थ्य है। अब मांग रहे बहुत बड़ा, मान लिया मोटरसाइकिल मांग लिया, अब माओ के पास रोटी के लिए बड़ा मुश्किल, पैसा स्कूल फीस निकालना मुश्किल हो रहा है, तो मोटरसाइकिल मांग कहां से लाके देंगे, वो नहीं लाके देंगे तो कहो है माँ बाप मेरा नहीं है, ये गलत है ना। हर व्यक्ति का अपना शक्ति सामर्थ्य है, लेकिन चाहे जितना भी वो बेटा कुछ भी गाली भी दे, लाठी मारे, कुछ भी करे, तो ये माता पिता कभी उसका हित सोच नहीं सकते। ये तो हुआ पुंडरीक का है ना, पुंडरीक वरदा बोलते हो, वो पुंडरीक क्या था, माँ को बाप को लात मार के घर से बाहर फेंक दिया, तभी जाते जाते तुम्हारा कल्याण हो बेटा, तुम सुखी रहो, कोई बात नहीं, हम धक्का खाएंगे सड़कों में, भीख मांग के मर जाएंगे भले,
तुम सुखी रहो, मकान बेचारे मकान भी उसे छीन लिया, अंत उसको भी सड़क में डाल दिया। ये होता है माता पिता की विशेषता। इसलिए जान के भाष्यकार श्रुति वेद को माता पिता सदृश बना दे रहे। क्या करे, मातृ पितृ सहस्रेभ्योपि, एक माँ बाप इतना कर सकता है बच्चे के लिए, हजारों माँ बाप से भी ज्यादा बढ़कर श्रुति कह रही है। हजारों सहस्रेभ्यो अपि हितैषिणा वेदेना उपदिष्टम आत्मैकत्व दर्शनम। ऐसे हितैषी वेद के द्वारा उपदेश दिया गया है आत्मैकत्व दर्शन, और उसमें तुम मूर्खता पूर्वक जो है श्रुति पर अश्रद्धा करते हुए, न मानते हुए, अनेक जीव है, अनेक आत्मा है, ऐसे जो मानेगा तो महामूढ़ है, वो तो नरक में ही जाएगा। श्रुति सुन करके भी श्रुति में श्रद्धा नहीं करता है, उसका विपरीत चिंतन करता है, वो तो जरूर नाश होगा उसका। जैसे अपनी माता पिता जो हित वचन कहते हैं उसको नहीं मानने वाला पुत्र का जरूर नाश हो जाता है, उसे कभी लाभ नहीं हो सकता, चाहे जितना भी वो मेहनत करे, कमाए, कुछ भी करे, लेकिन उसका लाभ उसको वास्तविक प्राप्त नहीं हो सकती। उसी प्रकार यहां पर भी माता पिता कष्ट देकर के इसके वृद्ध में चलने वाले का जैसे लोक व्यवहार में हम देखते नष्ट हो जाता है, सर हजारों माता पिता के से भी ज्यादा बढ़कर जो है ऐसे श्रुति में कही हुई बात के वृद्ध में कोई चलता है, निश्चित रूप से उसका भी नाश होता है। इसलिए भाष्यकार कहते हैं अपने अहंकार को काट डाल। ये अहंकार कहता नहीं मैं जो बोल रहा हूँ ठीक है, वे जो कह रहा गलत है, ऐसे दुष्ट अहंकार को काट के फेंक दो, और ये श्रुति कहती है उसका आदर करो, भले तुम्हें इसे समझ में आवे ना आवे, अनुभव में आवे ना आवे, जो गुरु बता रहा है परंपरा से श्रुति के अनुसार उस श्रुति का आदर जरूर करना चाहिए। ये भाष्यकार बड़ा जबरदस्त इस द्वितीय अध्याय की प्रथम वल्ली की समाप्ति पर बहुत बड़ा बम डाल दिया। आज भी सोचना पड़ेगा जो भाष्यकार ने जो वैसे कह दिए, अब भेद बुद्धि करने के पीछे बहुत डरेगा आदमी। ये आचार्य वचन के प्रति श्रद्धा है, श्रुति वचन के प्रति श्रद्धा है, वो भेद दृष्टि कैसे करेगा? सोचा अपने मातृपिता द्रोह करने वाली बात हो गई, श्रुति द्रोह, तो इसीलिए वो कर नहीं सकता। पुनर्वि प्रकारांतरेण ब्रह्म तत्व निर्धारणार्थ अयम आरंभ दुर्विज्ञता ब्रह्मण यद्यपि पूरा उपदेश हो गया और आगे उपनिषद बढ़ाने की जरूरत नहीं है, इन क्या करे मंद मध्यम अधिकारियों को जितना भी समझाओ फिर भी वो कोलू का बैल जैसा है या कुत्ते का पूछ जैसा है, टेढ़ा ही रहेगा, अकल सुधरेगा नहीं। जितनी बार भी बताओ, जैसे भी बताओ, हाँ हाँ करते रहेगा, फिर बाद में नाना भी बोल देगा, हो गया, जहां मतलब आ गया तो नाना कह देगा, बाकी सब समय हाँ करते रहेगा। इसीलिए प्रकारांतर से भी बड़ा है ना, अभी पता है ना हजारों माता पिता के समान दयालु है, कृपालु है श्रुति, इसे अन्य प्रकार से कोशिश करती है भाई मान ले बच्चा जो है जीव ब्रह्म तत्व को। इसलिए प्रकारांतर से ब्रह्म तत्व के स्वरूप का निर्धारण करने के लिए अयम आरंभ हो, अगला जो वल्ली दूसरी वल्ली द्वितीय अध्याय का दूसरी वल्ली को आरंभ किया जा रहा है, क्योंकि यह जो ब्रह्म तत्व है वह अत्यंत दुर्विज्ञेय है। पुरम एकादश द्वारम अजस्या वक्र चेतसा अनुष्ठायन शोचति विमुक्तश्चा विमुच्यते एतद्वै तत्। पुरम एकादश द्वारम, ग्यारह द्वार वाला पूरे कह दिया, स्मृति में कहते नव द्वारे पूरे दे ही, अरे नौ द्वार कह रहे हो, ये कौन सा दूसरा पूरा आ गया जो ग्यारह द्वार वाला है? अरे वही है, वहां दो द्वार की उन्होंने उपेक्षा कर दी है, जो दिख रहा है छिद्र नौ उनको उन्होंने ले लिया, जो नहीं दिखता है दो छिद्र उसको नहीं लिया, वो भी छिद्र है वैसे, क्योंकि दो अंक, दो कान, दो नाक के छिद्र, छह मुंह, एक साथ आगे एक पीछे एक दो विसर्जन वाले, नौ तो दिख रहे छिद्र सबको, इन नौ छिद्रों से व्यवहार कर रहे हो ना आप, इसलिए वह नवद्वारे पूरे दिन प्रसिद्धि के आधार पर बोल दिया। और दो छिद्र जो शास्त्र में जानते हैं आप, एक छिद्र
खोपड़ी को छेद करके अंदर घुस गया। आयत्रेय उपनिषद में है ना, मूर्धासी मूर्धानं सीमानं विदार्य, इसको छेद करके डायरेक्ट वहां से सीधा हृदय के अंदर आपका बैठ गया। हाँ नहीं नहीं, यहाँ जो तीनों का जोड़ होता है, जोड़ पर होता है, तीन जो खोपड़ा का तीन टुकड़ा है, यहाँ हड्डी एक इधर भाग दूसरा और एक पीछे, इन तीनों भाग जो जोड़ है वहाँ जोड़ पे छेद कर दिया, वहां से अंदर। यहाँ पर भी कोमल जगह रहती है, वहां नहीं होता वो, सब पीछे होता है, लोग यहाँ समझते हैं। वो छेद से अंदर घुस गया, वो एक छेद है ना, दसवां वाक्य नहीं हुआ, और एक छेद जिस पर आप जिंदे रहते हो गर्भ में, नाभि, कि नाभि से ही मां के जो है गर्भनाश जुड़ेगा, सारा प्रकार का अन्न रस सब कुछ नाभि से ही प्राप्त करता है ना बच्चा। बाद में जब बच्चा बाहर आ जाता है क्या करते हैं, उसको काट देते हैं, काट के नाभि में गांठ लगा देते हैं, तो सूख जाता है उसको काट देते हैं। एक छिद्र से पूरा शरीर बना और 9 महीने भी शरीर से जिंदा रहे अंदर, इसी नाभि छिद्र से सारा अंदर रस जाता था। आज भी चाहे इससे दे सकते हैं, दोबारा स्टार्ट कर दो, शुरू कर सकते हैं। और वैद्य लोग क्या करते हैं, जब आज बहुत ठंड ठुंड लग जाए तो क्या करते हैं, हल्का गरम सरसों नाभि में डाल देंगे, सारा ठंडी खींच देगा। नाभि में गरम सरसों तेल डाल दो, ठंड भाग जाएगा। और गर्मी लग गई आदमी को भयंकर, तो क्या करते हैं, नाभि में चंदन डाल देते हैं, पीस दिया, ठंडा सारा गर्मी को खींच देगा। माने अभी ये जो 6 पॉइंट है एक्टिव है, पूरा शरीर पर उसका जो है कंट्रोल अभी भी है, सदुपयोग नहीं करते हैं, बात अलग चीज है। इसलिए नहाने के बाद लोग क्या प्रथा क्या है, जो शरीर में सर पर तेल लगाएंगे तो थोड़ा सा तेल पहले नाभि में लगाएंगे। क्यों लगाते हैं नाभि, नाभि के द्वारा ही नाभि पुष्ट है तो पूरा शरीर पुष्ट है, नाभि बिगड़ा शरीर गया, ये माना जाता है आयुर्वेद शास्त्र। और नेचर क्योर वाले जो होते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा वाले क्या करते हैं, पेट पे जो है मिट्टी का लेप कर दें, जब गर्मी होगा तो भयंकर गर्मी हो गया किसी को, पेशाब भी रुक जाएगा तो क्या करते हैं, तुरंत गंगा जैसे जो चिकना मिट्टी से ठंडा मिट्टी डाल देंगे, पानी छिड़क देंगे और गीला कपड़ा बांध देंगे, पेशाब भागेगा अपने आप। और ठंड लगा है, परेशान है, जोर गड़बड़ आ रहा है ठंड के कारण से, उस क्या करते हैं, सरसों को है ना, सरसों सरसों को पीस देंगे और सरसों तेल में उसको फ्राई करके गर्म सा कर देंगे, उसका पिट्ठी बना करके कपड़े में रख करके उस कपड़े को बांध देते हैं। ये प्राकृतिक चिकित्सा पुस्तकों में भी प्रिंटेड है। नाभि क्यों बांध रहे, खोपड़ी में बांधो ना, कहीं और बांधो, नहीं यहां से पूरा शरीर को जाएगा, वो पूरे शरीर पर असर करेगा। ये 11वां छिद्र, कुल 11 है ये, 2 लेकिन आप दिख नहीं रहे ना, यहां से कुछ निकलता नहीं, आता जाता नहीं, कुछ होता नहीं, और ऊपर वाले छिद्र से आता जो कुछ होता हुआ दिखता है। इसलिए 2 छिद्र का स्मृतिकार ने उपेक्षा कर दी, श्रुति किस चीज की उपेक्षा नहीं कर सकती है, इसलिए साफ साफ कहती है भाई ये 11 द्वार वाला पूरा है, ये 9 का नहीं, 9 तो दृष्ट द्वार है, अदृष्ट द्वार द्वय है ना, उसको जोड़कर श्रुति कहती है परम एकादश द्वारम। किसका नगर है ये, नगर का मालिक कौन, नगर का डीएम साहब कौन है, यहाँ कलेक्टर साहब कहते अजस्य, ये अज का है, ब्रह्म का शहर है, आत्मा का ही ये शहर है जिसके 11 द्वार है। कैसा है वो आत्मा, अवक्र चेतसः, चेतस में चैतन्यम विज्ञानम, कैसा अवक्र है, मन नित्य है, अकुटिल है, मन नित्य चैतन्य स्वरूप है ये। कैसा जो आज है ब्रह्म आत्मा है, उसका 11 द्वार वाला यह शरीर है, अनुष्ठाय न शोचति, ऐसे आत्मा का अनुष्ठान सम्यक विज्ञाया, सम्यक जान करके न शोचति, समय ज्ञान पूर्वक अनुष्ठान कर पुरुष जो है शोक नहीं करता, विमुक्तश्च विमुच्यते, और वे शरीर के रहते हुए ही क्या कर दिया,
अविद्याकृताम कर्म आदि बंधनों से सर्वथा जीवन मुक्त हुआ है, अतएव ही वैदेहिक कैवल्य को प्राप्त कर जाता है। शरीर रहते हुए वो विमुक्त है, अतएव शरीर के मरने के बाद वह विदेह मुक्त होगा ही। विमुक्तश्च विमुच्यते, ऐसा वह यह जो ब्रह्म तत्व है जो तुमने पूछा था, एतद् वही तत्व। भाष्य पुनरपि पुरम, पुरम ने पुरम इव पुरम, नगर के समान नगर है समझो, ये वास्तव में नगर नहीं है कोई, नगर के समान नगर है। क्यों नगर में से क्या सादृश्यता है कि आप उसको नगर क्यों कह दिए? फिर कहते नगर में जैसा होता वैसे सब कुछ यहां भी है। नगर में क्या है? द्वारपाल होता है, द्वारपाल अधिष्ठात्रादि अनेक पुरोपकरण संपत्ति दर्शनात् शरीरम पुरम, द्वारपाल होता है वह और अधिष्ठाता होता है एक, और भी अनेक पुरुषवामी होते हैं छोटे छोटे, उसको क्या बना देंगे आप, गांव होते हैं, ग्राम प्रधान होता है, नगर छोटे छोटे और सभासद होते हैं, नहीं दो गांव मिलकर के एक नेता, दस गांव का एक नेता, जैसा आपने देखा है, जिला पंचायत का प्रधान होता है, क्षेत्र पंचायत का होता है और ग्राम पंचायत ही है, क्षेत्र पंचायत है और जिला पंचायत, तीन हुआ ना अभी चुनाव। वैसे यहाँ भी अलग अलग, अंदर भी दुनिया और भाग है ना, इसलिए पूरे शरीर को छह भाग में अपने बांट दिया, छह सिस्टम है ना, रक्त प्रवाह सिस्टम अलग होता है, विसर्जन प्रणाली अलग होता है कि नहीं, श्वास प्रणाली अलग होता है, योग पुस्तक पढ़ लो, छह प्रणालियों का वर्णन है उसमें, शुरू में ही दिया है शरीर का बारह पूरा वर्णन है कि नहीं। ऐसे हम पूरे शरीर को क्या कर दिया, नगर को दस भाग में बांट लो, छह भाग में बांट लो, खोपड़ा भी सात भाग में बटा है लिखा हूं, सात शक्तियां है वगैरह वगैरह, तो संबंधित सात चक्र है, सब स्थान बने हुए ना इस शरीर, इसमें नगर के समय सारे उपकरण इसमें भी है, वहां भी क्या है बड़ा टंकी बना होता है, वहां से पानी सब जगह जाता है कि नहीं, नलका लगा हुआ है, यहाँ भी टंकी है, ये टंकी सारा पाइपलाइन लगा हुआ है, इधर उधर जा रहे भोजन पानी सब डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, और गंदा पानी निकलने के लिए अलग सीवेज टैंक बना हुआ है कि नहीं, और सीवेज टैंक से निकल रहा है मल बाहर, सारा सिस्टम जो नगर में देखते हो सब इसके अंदर भी दिख रहा है, इसलिए शरीर को नगर के समान नगर कह दिया गया। यहाँ भी ऑफिस बना हुआ है, ये ऑफिस बंद हो जाए सारा शरीर बंद हो जाएगा, हार्ट रूपी ऑफिस है, सेंट्रल ऑफिस है ये, है ना, विधानसभा सेक्रेटेरिएट जैसे होता है, प्रधानमंत्री कार्यालय, वो गया सरकार गया फिर छुट्टी पाई, सब कुछ यहाँ पर भी है कहते भाष्यकार। इसलिए द्वारपाल अधिष्ठात्री आदि अनेक पुर का जो उपकरण होते हैं उनके साथ संपन्न होने संपत्ति दर्शनार्थ उन सब के यहाँ पर होने होना होता हुआ देखा जाता है सम्यक प्रकार से, अतएव शरीरम एव पुरम, शरीर ही पुर है समझो।